मथुरा के गोवर्धन रोड स्थित बिरला स्कूल में अध्यापकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सखी समूह व माध्यमिक शिक्षा से प्रतिनिधियों और आशाओं को ऑपरेशन जागृति में पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया। यूनिसेफ से राजेश सैनी ने बताया कि महिला और बच्चों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम कैसे की जाए। झूठा प्रकरण दर्ज कराना कानून का दुरुपयोग है। वहीं परीक्षित सेठ ने साइबर हिंसा से सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। इस प्रशिक्षण में यूनिसेफ से परीक्षित सेठ राजेश सैनी, नवीन कुमार थाना हाईवे से SHO उमेश चंद्र त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर मिथिलेश उपाध्याय, थाना कोतवाली से SHO रवि त्यागी, सब इंस्पेक्टर शीतल शर्मा, थाना सदर बाजार से SHO छोटे लाल, सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, थाना गोविंद नगर से SHO ललित भाटी और सब इंस्पेक्टर तमन्ना सिंधु सहित अन्य पुलिस अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कि जैसे अगर टीचर का रोल देखें तो टीचर का रोल ये हो सकता है कि एक तो हम अपने स्कूल में बच्चों के लिए जीरो पीरियड लगा सकते हैं। तो जीरो पीरियड्स में हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को खासकर कि आपकी जो ये उम्र बढ़ रही है या जो हार्मोनल चेंज आ रहे हैं आपके अंदर किशोरावस्था में, जो आपकी तूफानों की ये अवस्था है, तो आप इसमें क्या सावधानी बरत सकते हैं, एक तो हम उन्हें ये समझा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एक SPC प्रोग्राम भी चलता है जिसमें क्या होता है पुलिस भी हमारे सहयोग करती है और कहीं ना कहीं हम भी बच्चों से उस टाइम पे कनेक्ट करते हैं, तो पुलिस भी अपनी तरीके से बच्चों को उस टाइम पे समझा सकती है। उसके अलावा जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है हमारे यहाँ पे, तो हम वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना बच्चे के पेरेंट्स से कनेक्ट हो पाए, खासकर माँ से, क्योंकि एक बार अगर हम फादर को भी अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और उन्हें कुछ चीज बता रहे हैं, तो फादर का भी एक उतना टाइम घर पे स्पेंड नहीं होता जितना मदर का होता है। और मदर का अगर देखा जाए तो मोस्टली केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि मदर कहीं ना कहीं विलेन के रूप में निकल के आ जाती है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि जितने भी केस हो रहे हैं उनमें मदर का कहीं ना कहीं रोल ये होता है, उसे मेनली चीजें पता होती हैं लेकिन वो उन चीजों को हाइड करती है, ना तो वो बच्चे को समझा पाती है और ना ही वो चीज फादर तक जाती है। तो हमारा मेन होगा कि हम पहले मदर को अच्छे से कन्वे करें, उन्हें समझाएं कि आपका रोल क्या है, अगर बच्चा आपके पास आ रहा है या आपको प्रॉब्लम पता चल रही है तो आप बच्चे को ढंग से समझाओ, आप बच्चे को बताओ कि बेटा आप यहाँ गलत हो या यहाँ सही हो, और आप कहीं ना कहीं जो फादर है या जो बाकी लोग हैं उनको भी ढंग से जो प्रॉब्लम है उसको समझाओ। अगर आप बच्चे से अच्छे से कनेक्ट करेंगे बच्चा समझेगा और कोई भी गलत कदम नहीं लेगा, ठीक है। उसमें एक और चीज समझ में आ रही है, जब जैसे इस केस में है कि जब दोनों बच्चे भाग जाते हैं तो उसके बाद क्या है कि वो लोग रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, और रिपोर्ट में मेनली क्या होता है कि जो रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट लड़के पे आरोप लगा दिया जाता है कि लड़का भगा के ले गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर दो लोग जा रहे हैं तो अपनी राजी से जा रहे हैं, दोनों वही किशोर हैं और दोनों ही अपनी सहमति से जा रहे हैं, और मेनली केसेस में यही होता है कि लड़के पे आरोप लगा दिया जाता है। तो हमें लगता है कि वहां पे कोई ऐसा काउंसलिंग के लिए पुलिस विभाग से या अदर विभाग से ऐसा पर्सन होना चाहिए जो रिपोर्ट के टाइम उन्हें अवेयर कर पाए कि आप ये रिपोर्ट गलत उस पे मत करो, दोनों ही किशोर बच्चे हैं, तो आप राइट वे में करो कि दोनों को वापस लाया जाए। एक और चीज है इसमें शादी, पेरेंट्स को अगर बच्चा गलत राह पे जा रहा है पेरेंट्स को डायरेक्ट एक ही चीज नजर आती है कि इसकी हम शादी कर देते हैं, तो शादी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। शादी के बाद हमें लगता है परिस्थितियां और खराब हो जाती हैं, क्योंकि आप जो बच्चा उस टाइम पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है सही, आप उसको शादी और करके दे रहे हो तो वो उधर भी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, वो आगे फैमिली में भी करेगा। तो शादी किसी की भी सॉल्यूशन नहीं है, आप उस टाइम पे सिर्फ बच्चे को गाइड करो ठीक से कि पहले आप अपना कैरियर सेट करो, पहले आप सेट हो अपनी लाइफ में, उसके बाद आप इस राह पे जाओ और हम आपके साथ हैं। अगर पेरेंट्स ये बोल देते हैं हम आपके साथ हैं तो हमें नहीं लगता कोई भी बच्चा उस ट्रैक पे जाएगा, क्योंकि बच्चे को उस टाइम पे हार्मोनल चैलेंज और कहीं ना कहीं इमोशनली वो वीक जा रहा है, अगर पेरेंट्स उसके साथ खड़े हैं तो वो मुझे नहीं लगता गलत स्टेप लेगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि वो बच्चे भाग जाते हैं और उसके बाद उनको लेकर आया जाता है, तो उस टाइम पे भी जो वो बाल सुधार गृह चला जाता है और वो वहां नाबालिग उसमें चला जाता है, तो मुझे लगता है उस पे भी क्या होना चाहिए कि वहां पे भी कैसे महिला बाल कल्याण आयोग है या बाकी आयोग है या कोई पुलिस से संबंधित काउंसलिंग समिति है वो बनाई जानी चाहिए, और ट्राई करना चाहिए कि बच्चों को अलग अलग लेके उनके अच्छे से बयान लिए जाएं या फिर उन्हें अच्छे से वहां समझाया जाए, उनके पेरेंट्स को वहां अच्छे से कन्विंस किया जाए कि आप ये आरोप प्रत्यारोप नहीं कीजिए, आप यहाँ पे क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है उसको आप देखिए, आप अगर ऐसे करोगे आप अपने बच्चे भी वापस आ गए हैं, बच्चों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप वो अलग अलग पड़े हुए हैं, तो आप अगर उधर कोई अच्छे से काउंसलिंग कर लेता है तो ये मैटर यहाँ भी सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा है जब वो सुधार गृह में चले जाते हैं
तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक अच्छे से काउंसलिंग वाला कोई होना चाहिए और वहाँ पे जैसे रोजगार पर कुछ कार्यक्रम भी चलने चाहिए कि वो बच्चा वहाँ पे जितने टाइम है तो वो वहाँ पे रोजगार पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राजस्थान परिचित जी, आप लोगों ने जितना डिटेल में जानकारी दी, मैं ये अपेक्षा करूँगा कि यहाँ उपस्थित बात करने वाले सभी लोग उसको ग्राउंड तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एक मिशन मोड में लोगों को इससे जोड़े, क्योंकि ये एक पहल है। पहल बहुत छोटे से होती है, इसको हमें बड़ा बनाना है। यूनिसेफ जैसे संगठन का हमें साथ मिल रहा है और आगे भी आप लोग हर जहाँ भी कोई दिक्कत आती है आगे बढ़ के हम लोगों को गाइड करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और जो हमारे नोडल हैं थाना स्तर पर, एक एक नोडल अधिकारी हमने बना रखा है। और आज ये जितने लोगों ने फिर बात किया है प्लेस, उनका एक आप ग्रुप बना दीजिएगा, ठीक है? उसमें थोड़ा आप एक्टिव रहिएगा, कई बार हमें टाइम नहीं मिल पाता है। और इस परिचर्चा का, इस प्रशिक्षण की सार्थकता तभी है जब हम इसको ग्राउंड लेवल तक ले जाएँ। यहाँ पर बात करने वाले सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उनके लिए धन्यवाद। जो आप लोगों की अटेंडेंस शीट यहाँ पर जो फिल की है आप लोगों ने, उनमें जो आप लोगों ने नंबर लिखे हैं सबके व्हाट्सअप नंबर हैं। अगर किसी का कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो प्लीज़ एक बार कॉन्टेक्ट करके मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर जो है नोट करा दीजिए। इसमें क्या है, इसका अभी एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे हम लोग। उस व्हाट्सअप ग्रुप में आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं अटेंडेंस शीट में जिन जिनके नंबर है नाम है उन सबको ऐड किया जाएगा। उसमें क्या है, आप लोगों को काम ये है कि प्रतिदिन आप लोग जहाँ भी काम करने जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं आप लोग, वहाँ पे एक सेशन जो ऑपरेशन जागृति से संबंधित है कुछ लोगों को कलेक्ट करके अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके, और आप डेली एक सेशन, कम से कम एक व्यक्ति एक सेशन डेली कुछ लोगों के साथ जो है लेगा। और उस जो ब्लॉक स्तर का एक ग्रुप हम बनाएंगे, उस ग्रुप में आप लोग जो है अपना डेली का डेली फोटो आप एक बार शेयर करेंगे। सब लोग जितने भी लोग हैं वहाँ, सब लोगों को, आप जैसे आंगनवाड़ी में जाते हैं तो वहाँ फैमिली मेंबर्स भी आते हैं बच्चों के, तो आप उनसे मिल सकते हैं। आशा लोग हैं, आप लोग किसी मोहल्ले में जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, तो आप लोग ये बेहतर से समझते हैं कि आपको किस तरह से करना है। डेली एक कार्यक्रम कम से कम जितने मैक्सिमम लोग हो पाए, तो ये भी नहीं है कि आपको पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, लेकिन आप लोग जितने लोगों के संपर्क में आते हैं उनमें से कुछ लोगों को जुटा के फोटो खींच के उस ग्रुप में जो है आप लोग शेयर करते रहेंगे, ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो हम ग्रुप बनाएंगे, उसमें हमारा नंबर रहेगा। और उसमें जब आपको ऐसा लगे कि हमें पुलिस की हेल्प की जरूरत है तो आप हमें एक बार सूचित कीजिए, या दूसरे किसी विभाग की जरूरत है तो उसमें हम लोग कॉपरेट करके, आप लोगों को अगर पुलिस हेल्प की जरूरत है तो हम लोग आपको वहाँ वो भी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग नंबर मेरा रहेगा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। यूनिसेफ की मेरे साथीगण, आंगनबाड़ी और शिक्षा विभाग से सभी विभाग के साथियों, ये हमारा आज का जो कार्यशाला है, ये हमारी जो मीटिंग है, ये ऑपरेशन जागृति के तहत है, जिसको हमारे श्रीमान एडीजी जॉन आगरा महोदय थे परिकल्पना का शुभारंभ 1/11 को वृंदावन हुआ था, जिसमें पूरे जॉन लेवल के अधिकारी सारे डिपार्टमेंट से, इसमें ये अपेक्षा की जाती है कि चार फोकस हैं इनको अभी सभी लोग चर्चा कर रहे थे, उनको ग्राउंड लेवल तक बताया जाए, समझाया जाए, आत्मसात किया जाए, जिससे होने वाले अपराध कमी आए और एक स्वच्छ वातावरण बने। कानून से जो बोध बना हुआ है इसमें पिछते रहते लोग और साइबर अपराध से इन सबसे बचाव हो। जो आप बता रहे हैं सर, अभी मेरे यहाँ पे 15-12 को एक केस आया था, उस बच्चे की एज 19 साल थी, वो अपने फ्रेंड के साथ गई, उसके पेरेंट्स आए, टीचर को बताया, उन्होंने अपने पार्षद को बताया, हमने उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि जो बैंक में लोग होते हैं वो ये कहते हैं मुकदमा हो, तुरंत कार्रवाई हो, अभी जेल जाए, सबक सिखाए। थोड़ी देर उनसे बातचीत हुई, उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा मुद्दा है इसमें युवा अवस्था में भूमिका है टीचर्स की, लोकल पार्षद, लोकल सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस, सभी की है। उसी के अकॉर्डिंग हमने उनको बताया कि आप क्या चाहते हैं, तो उनको लगा कि हमारी बच्ची आ जाए, हो सकता भटका हो, फिर हम देखते हैं, बात करेंगे उनसे बच्ची से, यदि रियल में उसके साथ गलत हुआ है तो हम केस जरूर बनाएंगे, और यदि नहीं हुआ है तो फिर हम बच्ची मिल जाएगी, इससे अच्छा क्या होगा।
हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग भी गुंथू भी लिखी और एक सफल प्रयास किया और 15 तारीख को वही बच्ची 18 को उनको मिल गई। हमको 17 को उसमें इनपुट मिला और बच्ची मिल गई। वो इतने प्रसन्न हुए थे कि सामने उनको बुलवाया हमने और वो अपना प्रशंसा कर रहे थे हमको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने मोटिवेट किया। अदरवाइज जो हमको फर्स्ट मिले थे लोग उनका तो यही कहना था कि मुकदमा लिखवाइए सबक सिखाइए। ऐसा हुआ क्यों? इस ऑपरेशन जागृति का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि सबसे पहले जितने लोग टीम पे बैठे हैं इस चीज को समझें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो लिखा है कि युवा भटकने का टाइम है बालिका बालिका को उसमें देखने का आवश्यकता है तो उसी चीज को कानूनी कार्रवाई तो हो ही जाएगी। यदि इस प्रकार से हम उनको बताएं समझाएं तो नो डाउट कानून का जो जाल है ये समस्याओं में तब तक चाहे वो मेल है फीमेल है उसकी बेइज्जती ना हो लेकिन तब ज़्यादा उसको होता है। तमाम चीज़ें होती हैं और उन बातों को समझते सभी हैं बट बोल नहीं पाते हैं तो उसको हर लेवल पर बोलना है बताना है समझाना है। ऐसा करने से काफ़ी एक स्वच्छ माहौल बनेगा। जो हमारा मिशन आप जागृति है ये सफल होगा। ये एक ऐसा वो है कि इससे सभी प्रभावित होते हैं।